हाँ ज़रूर सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल फिदाय और मेरे साथ है मीमो चक्रवर्ती, जिनकी फिल्म सॉरी आई एम लेट का अनाउंसमेंट हुआ। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस फिल्म के लिए। थैंक यू सर। क्या कहना चाहोगे, कितनी एक्साइटमेंट इस फिल्म को लेकर, और कुछ अपने इस फिल्म के किरदार के बारे में अगर बताना चाहो तो? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के बारे में, बिकॉज इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इस फिल्म की कहानी एंड जो कैरेक्टर्स है इस फिल्म में, दे आर वेरी रियल कैरेक्टर्स, वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर्स एंड सबके अपने अपने शेड्स है। लाइक सब कैरेक्टर में ना कोई हीरो है ना कोई विलन है, सब इंसान है। एंड इस फिल्म की खासियत यही है कि इट्स आज के ज़माने की फिल्म है, लोग इस फिल्म से रिलेट कर पाएंगे एंड डेफिनेटली एंटरटेन होंगे। तो इसमें किस तरह का लुक होगा, जैसे कि हमने थोड़ा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना कि थोड़ी रियलिस्टिक टाइप की रखी, ऑर्डिनरी पर्सन हम हमारे आम जिंदगी में जैसे लोगों को जानते हो, फिर भी लाइक किस तरह का लुक रहेगा? और देखिए सर, ही इज़ अ वेरी एम्बिशियस गाय, वो जानता है कि उसको क्या चाहिए लाइफ में। यू नो, देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, वन आर द ब्रॉन्स एंड वन आर द ब्रेन्स। सो बट ही इज समवेयर इन द मिडल, यू नो, वो बिलीव करता है कि यू हैव टू यूज़ दिस मोर देन यूजिंग दिस। तो ऑफकोर्स उसका एक आइडेंटिटी है, ही बिलीव्स के जो उसको चाहिए वो उसको मिलेगा और किसी भी तरीके से उसको हासिल करेगा। तो ऑफकोर्स लुक्स पे हम लोग अभी ज़्यादा वर्क करने वाले हैं, बिकॉज अभी तक वी हैव जस्ट ज़ीरो डाउन कि ये कहानी होने वाली है, ये लीनियर कहानी है और इसके बाद वी आर गोना बी ब्रेकिंग डाउन इन द लुक्स वेरी सून। द टैगलाइन इज कर्मा नेवर लूजेस इट्स एड्रेस, डेफिनेटली ये तो आई थिंक एवरीवन माइट बिलीव इट, बट देन हाउ मच बिलीव यू हैविंग इन दिस पर्टिकुलर टैगलाइन? आई बिलीव सर, वेदर यू डू गुड और बैड, यू नो, यू विल गेट योर ड्यू एंड ड्यू मिलना इज पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी, यू नो, ही डिसाइड्स, शी डिसाइड्स के जिसको क्या मिले जिसको नहीं मिले। ऑफकोर्स एज अ ह्यूमन बीइंग आई बिलीव के अच्छा सोचो, अच्छा करो एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज किस कहानी में, सॉरी, किस्मत में क्या लिखा है किसी को पता नहीं, बट ऑफकोर्स कर्मा ऐसी चीज़ है जो जस्ट है, जो बैलेंस्ड है, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने किया है, किस तरीके से मिलेगा वो आपको पता नहीं। मीमो, यू आर सच अ फाइन एक्टर एज वेल एज लाइक हमने देखा बहुत मेहनत एंड यू आर हैविंग अ वेरी गुड डांसिंग स्किल आल्सो। थैंक यू। फ्रॉम योर फादर, लाइक यू नो, वो जीन तो डेफिनेटली वो रहेगा ही जी। कितना इस फिल्म में हमको आप यू नो मतलब नाचते गाते या कुछ ऐसे देखने को मिलेगा? वेल, नाचना गाना इस फिल्म में ज़्यादा उतना है नहीं, बिकॉज जैसे आपको मैंने कहा कि ये एक थ्रिलर है, तो जिस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन आप पिक्चर में हुक्ड हो, बिकॉज आप सेकेंड गेस करना चाह रहे हो कि ये होगा पर वो होता नहीं है। ऑफकोर्स देर आर लाइटर मोमेंट्स इन द फिल्म, बट वंस द फिल्म कैचेज इट्स रियल लेयर, तब से फिल्म पूरी बदल जाती है। तो इस फिल्म में डांस वांस नहीं है, बट मे बी इन अदर फिल्म्स पक्का। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन जी,